अब्बास सैदर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय जोड़ो यात्रा से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। ये बात हो क्यों नहीं रही है, कहां पर अटक रही है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं देखिए प्राची जी, यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दल हैं उनके बीच में सामंजस्य है, उनके बीच में सीट शेयरिंग से एक कदम आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये तय हो रहा है कि कौन सी सीट पे कौन प्रत्याशी होगा। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन आंकड़ा देने के बजाय अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा बहुत ही जल्द। मकर संक्रांति आने वाली है, उसके बाद मुझे लगता है जैसे ही खड़मास खत्म होंगे कैंडिडेट की लिस्ट इंडिया गठबंधन की आना शुरू हो जाएंगे। देखिए इंडिया गठबंधन जो है वो जो देश के हमारे नागरिक हैं उनकी भावनाओं को लेकर के बनाया गया है। इंडिया गठबंधन को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर निशाना साधती है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, उससे लड़ाई लड़ना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। वो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ के बल पे देश की सत्ता पे काबिज हुई और आज वो हमारे देश की सत्ता में पहुंचने के बाद पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार जी, बस एक शिकायत है मुझे आप लोगों से कि आप अपने दल की बात करते करते बीजेपी पर ज्यादा निशाना साधने लग जाते हैं। आप पूछ लीजिएगा उनसे सवाल। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करने के लिए बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए बैठी हूँ कि वो इंडिया गठबंधन जो बीजेपी को हराने जा रहा है, जिसको देश की इतनी चिंता है, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, उसके पास कोई फॉर्मूला तो होगा ना इनको हराने का? कौन कितने सीट पर लड़ रहा है ये तो आप तय कर पाए होंगे अभी तक? चार बैठक हो गई आप लोगों की। निश्चित रूप से प्राची जी, सब चीजें तय हैं, सब चीजों में सामंजस्य है। जो चीजें अभी सामने मीडिया के हमें नहीं लानी, वो निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने ऑफिशियली फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया है और बहुत जल्द वो चीजें सामने आ जाएंगी अच्छे समय पर। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, कुछ ऐसे भी दल हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन यहाँ पे सबकी विचारधाराएं एक हो जाती हैं जब हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की बात आती है। अब्बास सैदर जी, आप मीडिया के सामने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताएं ना बताएं, लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा और किस राज्य में कौन सी पार्टी मजबूत है, ये आप लोग जरूर खुलकर बता देते हैं। ये आप बड़े खुल मन से बताते हैं कि यहाँ पर हम मजबूत हैं, यहाँ पर हमारी दावेदारी है, यहाँ पर इसकी दावेदारी है, कौन कितना अव्यवहारिक है ये भी बता देता है। मैं शहजाद आपके पास आऊँ, एक छोटा सा रिएक्शन तहसीन जी का भी लूंगी, क्योंकि आज कांग्रेस को अव्यवहारिक बोल रहे थे जेडीयू के नेता केसी त्यागी, बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो अव्यवहारिक हो गई है, ये जो डिमांड कर रही है खत्म ही नहीं हो रही है कांग्रेस की। तो अच्छी बात है कांग्रेस को डिमांड करना चाहिए, त्यागी जी को क्या दिक्कत है? और ऑनेस्टली मेरी एडवाइस है कि त्यागी जी और जितने भी रीजनल दल है और कांग्रेस के भी जितने भी बड़े नेता है, जो भी कमेंट्स रखना है उसे प्राइवेट रखना चाहिए। पब्लिकली ये जो स्पारिंग होती है, एक दूसरे पे टिप्पणी होती है, नहीं अच्छा लगता है इंडिया अलायंस के लिए। मैं खुद इंडिया अलायंस का हिमायती हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि ये अलायंस सत्ता में है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ ये कहना कि हमें भाजपा को हराना है, भाजपा देश को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, इमरजेंसी आ गया, इससे कुछ नहीं होगा। हमारा एजेंडा हमें देश के सामने रखना होगा, एक मजबूत एजेंडा हमें देश के सामने रखना होगा, और वो एजेंडा मोदी हटाओ नहीं हो सकता है, वो एजेंडा हो सकता है इनके 10 सालों में इन्होंने किस तरह से देश का बेड़ा गार किया और हम किस तरह से देश को आगे ले जाएंगे, किस तरह से इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी महिलाओं को लेकर पॉलिसी में पूरी तरह से फेल है, हमारी पॉलिसी क्या होगी। तो हमें फ्यूचर की बात करना चाहिए। अगर हम चुनाव मोदी जी पर जीतेंगे, मोदी जी इंदिरा गांधी जी का कार्ड खेलेंगे, मोदी जी कहेंगे, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं गरीबी हटाओ, मोदी जी यही कार्ड खेलने वाले। हमें मोदी जी, हमें ये सोचना होगा कि उनके चाल को हमें किस तरह से, उनकी चाल को हम निगेट कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, सीट शेयरिंग का अलायंस काफी की जो बातचीत है काफी हद तक वो आगे चली गई, अब इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए और कैंडिडेट्स को, मैं पूरी तरह से हैदर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। चलिए चलिए आप ही बता दीजिए, आप तो एकदम खुलकर बात करते हैं, कितनी आगे चली गई है? क्योंकि अभी तक तो आप सारे के सारे नेता सिर्फ यही कहते हैं बात बहुत अच्छी रही, सब कुछ बहुत ठीक है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, अब कितनी आगे चली गई, कितने सीटों पर आप लोगों ने सोच लिया कि कौन कितना लड़ेगा, कम से कम ये तो बता दीजिए। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो अच्छा होगा, कम से कम 2-2.5 महीने का आपको तैयारी का मौका देना होगा कैंडिडेट्स को। ये भी आपको जानना होगा कि कई ऐसी स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सूबे में भाजपा ने 50% से ज्यादा वोट चेल लिया है, तो अगर आपको वहां पर उनके कैंडिडेट्स को हराना है आपको 2-2.5 महीने की तैयारी का समय चाहिए। और अगर किस सूबे में नहीं होता है अलायंस, मान लो पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच में नहीं होता है क्योंकि वहां पे दोनों दलों के बीच में ऑपोजिशन होगा, ये एंड ऑफ द रोड नहीं है, क्योंकि
वहां पर बीजेपी का कोई गेम नहीं है, तो डोंट होल्ड अलायंस बैक, क्योंकि पंजाब में नहीं हो रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो आप छोड़ मान दीजिए, रहे आप हैं कि दिल्ली को तकलीफ तो सौंप है दीजिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आज बैठक हुई देखिए है, आज किसी भी कि भी सिर्फ आज भी जो जानकारी मिली है कि सिर्फ दिल्ली पर चर्चा हो पाई, पंजाब पर चर्चा नहीं हुई, तो पेच तो अटका हुआ है। मैं जरा आप जवाब ले लूं, क्योंकि सारे तो निशाने कोई दिक्कत नहीं उसमें, एक हाँ लाइन कह दूं, उसमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं, नहीं करना है हमें पंजाब ये में, आप अच्छा कहते मैं फिर हैं ना दिल्ली तेजिंग में कर रहा हूँ, पूनावाला जी। डिफेंस अभी देखिए, तो मैं क्यों पूछूंगी डिफेंस आदिल हो खान रहे जी हैं? से, तो वो इस आप बात का कम्युनिकेशन जवाब देंगे सीखे हो तो नहीं, मैं बताओ, वो इस बात का जवाब देंगे कम्युनिकेशन नहीं, वो सीखे कहेंगे ना ऑल तो इज वेल, सब बहुत अच्छा है।